बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, कुर्बे क़यामत की 10 बड़ी अलामत में से एक अलामत दज्जाल का जाहिर होना भी है। दज्जाल का फितना तारीख इंसानी की इब्तदा से लेकर इंतहा तक के तमाम फितनों में सबसे बड़ा और ख़तरनाक फितना है, जिसकी बड़ाई और शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। दज्जाल का मानी है बहुत ज़्यादा झूठा शख्स, क्योंकि दज्जाल भी हक के साथ बातिल को मिलाकर झूठ बोलेगा, इसलिए उसे दज्जाल कहा गया है। ये अवलन खुद को मोमिन जाहिर करेगा और लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा, लेकिन फिर नबुवत का और आखिरकार खुदाई का दावा करेगा। दोस्तों, अहादीस मुबारका में बारहा मरतबा दज्जाल की पहचान के लिए मुख्तलिफ निशानियों का जिक्र किया गया है, ताकि उम्मत मुसलमा दज्जाल के जाहिर होने पर उसके फितनों से बच सके। लेकिन दोस्तों, मामला इतना सादा भी नहीं है, क्योंकि अगर इन निशानियों से दज्जाल को पहचानना इतना ही आसान था तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बार बार इस फितने से डराते और ख़बरदार भला क्यों करते। दज्जाल की निशानियों के बारे में हम पहले भी बहुत सी वीडियोस देख चुके हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या दज्जाल इस वक्त भी दुनिया में मौजूद है? अगर हाँ तो कहाँ? दोस्तों, सही मुस्लिम की एक तवील हदीस है जिसका मफहूम है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि पहले ईसाई थे, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने के लिए हाजिर हुए तो अपने एक समंदरी सफ़र का अहवाल आपके साथ बयान किया। हज़रत फातिमा बिन्नत क़ैस से रिवायत है कि एक रोज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद तमाम सहाबा को मस्जिद में बैठे रहने का हुक्म दिया। मैं तमाम औरतों की पहली सफ के अंदर मौजूद थी और फिर फरमाया कि आज मैंने तुम्हें कोई अल्लाह का पैगाम या नसीहत करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि वो कुछ बयान करने के लिए बुलाया है जो कि तमीम दारी ने इस्लाम कबूल करने के बाद आज मुझसे बयान किया। वो कहते हैं, मैं अपनी जवानी के दिनों में अपने 30 लोगों के साथ अरब के मशरक में समंदरी सफर पर था कि अचानक मौसम खराब हो गया। ऊंची ऊंची समंदरी लहरें उठने लगी। मौसम इतना खराब हो गया कि पूरे एक महीने तक हमारा जहाज समंदर के अंदर हिचकोले खाता रहा और हमें कुछ नहीं पता था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं या कहाँ पर मौजूद हैं। हमने अपने उस बड़े जहाज से छोटी छोटी कश्तियाँ उतारी और अलग अलग जगह पर खाने और लोगों की तलाश में निकल गए। मैं अपनी कश्ती में कुछ लोगों के साथ एक जजीरे पर पहुंचा, जहाँ पर एक अजीबोगरीब किस्म के जानवर को हमने अपने सामने खड़ा देखा, जिसका जिस्म बालों से मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था। ये जानवर इंसानों की तरह बातें कर सकता था। हम लोग उसको देखकर डर गए कि आखिर ये क्या चीज़ है। मैंने पूछा कि तुम क्या भला हो? उसने जवाब दिया कि मेरा नाम जसासा है। हमने पूछा कि तुम क्या चीज़ हो? उसने जवाब दिया कि ये सब बातें छोड़ो, मैं तुम्हें अपने मालिक से मिलवाता हूँ। वो सामने जो मंदिर है, वहाँ पर वो शख्स बड़ी शिद्दत से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, इस वाक़े में उस मंदिर को आपने अपने जहन में रखना है। तमीमदारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम उसके पीछे चले और उस मंदिर के अंदर बहुत बड़ी जसामत के शख्स को हमने जंजीरों के अंदर बंधा हुआ देखा। उसे बड़ी जसामत वाला शख्स हमने आज से पहले कभी नहीं देखा था। उसके हाथ उसकी गर्दन से बंधे हुए थे और उस शख्स ने आते ही हमसे कुछ सवाल किए। पहला सवाल ये था कि मुझे बैसान की खजूरों के बारे में बताओ कि क्या वहाँ पर दरख्तों में अभी भी फल आता है या नहीं। हमने कहा, हाँ बिल्कुल आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब उसमें फल नहीं होगा। फिर उसने पूछा कि मुझे बहीरा तिबरिया के मुतालिक बताओ, क्या उसमें अभी भी पानी है या नहीं। हमने कहा, बहुत ज्यादा पानी है। उसने कहा, वो जमाना करीब है जब उसमें पानी खुश्क हो जाएगा। तीसरा सवाल उसने ये किया कि मुझे जगर के चश्मे के बारे में बताओ, और उसके बाद गोलान की पहाड़ियों के बारे में पूछने लगा और आखिर में कहने लगा कि मुझे उस अमीन नबी के बारे में बताओ कि उसने अभी तक क्या किया। हमने जवाब दिया कि वो मदीना से निकल कर मक्का के अंदर आबाद हो चुके हैं। वो यह सुनकर काफी हैरान हुआ कि क्या वाकई ऐसा हो चुका है। हमने कहा कि हाँ बिल्कुल। उसके बाद उस शख्स ने कहा कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं ही दज्जाल हूँ और बहुत जल्द ये तमाम निशानियाँ पूरी होते ही मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त मिल जाएगी और मैं पूरी दुनिया के अंदर जाऊँगा सिवाय मक्का और मदीना के। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, ये यसरब है यानी मदीना। देखो, मैं तुम्हें नहीं कहा करता था कि दज्जाल ना शाम के समंदर में है न यमन के समंदर में, बल्कि अपने हाथ से मशरक की तरफ इशारा करके आपने 3 मर्तबा फरमाया कि दज्जाल मशरक में है, दज्जाल मशरक में है, दज्जाल मशरक में है। इस हदीस मुबारका के अंदर हमें दज्जाल की लोकेशन के बारे में इशारा दिया गया है कि
कि वो मदीना के मशरक के अंदर किसी वीरान जजीरे के अंदर कैद है। तो चलिए मदीना के मशरक के अंदर अहम तरीन जजीरों की खोज करते हैं और उसकी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करते हैं। मदीने के साथ अरेबियन सी मौजूद है, जहां से हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये जहाज रवाना हुआ था। इस समंदर में चार अहम तरीन जजीरे आते हैं। इंडिया में लक्षद्वीप आइलैंड, मसीरा आइलैंड जो कि ओमान में है, सकोट्रा आइलैंड जो कि यमन में है, और आखिर पर अस्तोला आइलैंड जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। हदीस मुबारका में ये वाज़े है कि दजाल ना शाम में है और ना यमन में, लिहाजा इन चार में से दो जजीरे अब बाकी रह गए, इंडिया का लक्षद्वीप आइलैंड और पाकिस्तान का अस्तोला आइलैंड। तो अब ये कैसे पता लगेगा कि इन दोनों आइलैंड में से वो आइलैंड था कौन सा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के मशरक में जिस तरफ इशारा किया था, अगर हम उसे एक सीधी लाइन खींचे तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान का अस्तोला आइलैंड ही बनता है, क्योंकि इंडियन आइलैंड इस लाइन से काफी दूर हो जाता है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। जैसा कि ऊपर हदीस में हमने जाना कि इस आइलैंड पर एक मंदिर भी मौजूद था, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने यानी 1400 साल से भी पहले का इस आइलैंड पर मौजूद था। लिहाजा अपने शक को यकीन में बदलने के लिए हमें इस आइलैंड पर ऐसे ही मंदिर को तलाश करना होगा, लेकिन इंडिया के इस आइलैंड पर ऐसा कोई मंदिर मौजूद नहीं। पर हाँ, पाकिस्तान के अस्तोला आइलैंड पर ये आज भी मौजूद है। जी हाँ, ये मशहूर काली माता का मंदिर है, जिसे तबाही फैलाने वाली खतरनाक और खौफनाक किस्म की देवी हिंदुओं के अकीदे के अंदर माना जाता है। इसके भी जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल मौजूद हैं, बिल्कुल वही हुलिया जैसा कि जसासा का था। और ये मंदिर भी यहाँ कोई 100 साल पहले नहीं बनाया गया, बल्कि आज से 2000 साल पहले का ये यहाँ पर मौजूद है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से भी 600 साल पहले का। तो क्या ये सब कुछ महज इत्तफाक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। हकाइक को सामने रखते हुए ये कन्फर्म है कि ये वही जगह है जहाँ हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दज्जाल और उसके साथी जसासा से मुलाकात हुई थी। और दज्जाल के पूछे गए सवालों के मुताबिक जो भी निशानियाँ उसने बयान की, यानी बेसान की खजूरों, तिब्रिया की झील और गोलान की पहाड़ियों से मुतालिक, वो सब की सब निशानियां पूरी हो चुकी हैं और शायद अब तक ये दज्जाल वहां से आज़ाद भी हो चुका है, मगर अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया। ये सब निशानियां आखिर कैसे पूरी हो चुकी हैं, आइए जरा जानते हैं। सबसे पहले बेसान की खजूरों की निशानी पर गौर करें कि बेसान का इलाका पहले फलस्तीन के अंदर शामिल था और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर के अंदर शर्जील बिन हसना और अमर बिन आस ने फतह किया था, जबकि 1948 तक ये इलाका उर्दन का हिस्सा था, जिस पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। बेसान अपनी खजूरों के बागात के लिए इंतहाई मशहूर था और इस वक्त भी बेसान का कुछ इलाका उर्दन के पास है, मगर इस तमाम इलाके के अंदर मौजूद खजूरों के बागात बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, जैसा कि दज्जाल ने बयान किया था। उसका दूसरा सवाल था बहीरे तिब्रिया के मुतालिक कि क्या उसका पानी अब तक खुश्क हो चुका है। ये झील इस वक्त इसराइल के अंदर मौजूद है, जिस पर यहूदियों का कब्जा है। इस झील के पास यहूदियों के चार बड़े शहरों में से एक मौजूद है और जब रूमी बादशाह टाइटस ने बैतुल मुकद्दस पर हमला किया और उसे तबाह किया, तब तमाम यहूदी बहीरे तिब्रिया के पास आकर जमा हो गए और यहाँ पर आबाद हो गए और अपनी मजहबी किताब तिलमूद को तरतीब दिया। इस झील की लंबाई शुमाल से जनूब तक 23 किलोमीटर है। ये यहूदियों के लिए मीठे पानी का सबसे बड़ा सोर्स है, जो कि उर्दन की गोलान पहाड़ियों के सबसे बड़े पहाड़ जबले अल शेख से आता है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये झील अपने 100 साल की कम तरीन पानी की सतह पर पहुंच गई है और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खुश्क होने के करीब है, जैसा कि दज्जाल ने बयान किया था। तीसरा सवाल उसने इसराइल के मशरक में मौजूद जगर के चश्मे के बारे में पूछा, जिस पर इस वक्त भी यहूदियों का कब्जा हो चुका है। इसके बाद दज्जाल का अगला सवाल था गोलान की पहाड़ियों के बारे में, जिन्हें 1967 की जंग के अंदर इसराइल ने शाम से छीन लिया था। और इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है जबले अल शेख, जहां से एक तरफ से बैतुल मुकद्दस और दूसरी तरफ उसके नीचे से दमिश्क नजर आता है। इसकी ऊंचाई 9232 फीट है, जिस पर लबनान, शाम और इसराइल का कब्जा है, क्योंकि ये 1800 स्क्वायर किलोमीटर का लंबा तरीन इलाका है, जिसके साथ तिब्रिया की झील और जगर का चश्मा भी मौजूद है और साथ साथ बेसान का इलाका भी इसी के पास मौजूद है। लिहाजा अगर हम दज्जाल की जानिब से पूछे जाने वाले सवालों पर गौर करें तो इन सब का ताल्लुक गोलान की पहाड़ियों से ही बनता है।
जो कि बिल्कुल इत्तफाक नहीं, क्योंकि मार्च 2017 के अंदर अमेरिका ने ऑफिशियली तौर पर गोलान हाइट्स इसराइल के हवाले करने का मुआहिदा करके सूरत हाल को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि दज्जाल ने ये सब सवाल आखिर क्यों किए, इन सवालों का मकसद उसकी आमद से क्यों है। अब जरा इस टाइम लाइन को आपस में जोड़ते जाएं। हम सभी लोग जानते हैं कि जंगों के अंदर ऊंचे इलाके या पहाड़ी इलाके की क्या अहमियत होती है, खासतौर पर जब इन पहाड़ों के नीचे जंग का मैदान मौजूद हो। दज्जाल का जहूर तीसरी आलमी जंग के बाद होगा, जब इमाम मेहदी जंगे आर्मगेडन के अंदर मुसलमानों की क्यादत करेंगे, और उसके बाद दज्जाल का जहूर होगा जिसे कत्ल करने के लिए ईसा अलैहि सलाम तशरीफ लाएंगे। बाइबल के मुताबिक इस जंग का मैदान इसराइल के मगरिब के अंदर इसी गोलान हाइट की पहाड़ियों के मैदान को बताया गया है, और हक को बातिल की एक जंग का जिक्र अहदीस मुबारका में भी मौजूद है। इसराइल ने गोलान हाइट्स पर कब्जा करके इस जंग की तैयारी शुरू कर दी है, और सिर्फ अपने मसीहा दज्जाल के इंतजार में है कि वो कब दुनिया के सामने जाहिर होकर अपनी खुदाई का ऐलान करे और यहूदी कौम की बादशाहत को संभाल कर मुसलमानों के खिलाफ जंग करे। दोस्तों, अब आपको समझ जाना चाहिए कि क्यों इस वक्त आलम कुफर पूरी दुनिया के इस मुसलमानों के खिलाफ यूनाइटेड नेशन का ब्लॉक बनाकर इस जंग की तैयारी मुकम्मल कर चुका है, मगर हम लोग अभी तक इसी गफलत के अंदर हैं। इन हालात और निशानियों से आप अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि इस आखिरी जमाने के अंदर आखिर कितना वक्त बाकी है। मेरी जाती राय के मुताबिक आधी सदी यानी 40 या 50 साल कयामत आने के अंदर बाकी हैं। मौजूदा हालात और वाकयात को देखकर ये मेरा अंदाजा है, जो कि सही भी हो सकता है या फिर गलत भी, क्योंकि कयामत का असल इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास ही है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या हमने इस वक्त की तैयारी कर ली है, और अगर ये सब निशानियां देखकर अब भी हमारी आंखें नहीं खुलती तो आखिर कब खुलेंगी। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।